मैंने पिछली बार फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेला था और मुझे बहुत मजा आया था। बट दिस टाइम आई हैव कम बैक विद अ प्रॉपर गेम प्लान, सो लेट्स स्टार्ट। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैंने विलेज से निकलने से पहले हर घर में से हर चीज चुरा ली थी, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो चोरी का कोई भी सामान यूज नहीं करना है। So let's see what all do we have in our inventory now. Iron armor, emerald, काफी चीजें आ गई है मेरे पास। तो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हम मिथपैट का माइनक्राफ्ट वाला घर बनाने वाले हैं। So let's begin. Bob the Builder, करके दिखाएंगे। Bob the Builder, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। तो हमारा घर रेडी हो गया है और ये डिटो मिथपैट के घर जैसा है, ये अंदर से भी बिल्कुल सेम लग रहा है। So good job. गुड जॉब मानसी, मैंने घर बहुत ही मेहनत से बनाया है। इनको क्या पता मेरे घर की कितनी मेहनत। अब हम वर्ल्ड को जाके एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हमें और क्या क्या मिल सकता है। हो गई है काफी रात और हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, वो सामने ही है, बट हमें बस वहाँ सेफली पहुंचना है इससे पहले कि सारे मॉन्स्टर्स हमारे पीछे आके लग जाए। यहाँ पे दो तीन स्केलेटन घूम रहे हैं। तो इस गेम में स्केलेटन की आवाज इतनी अनोइंग है। यहाँ से एक स्पाइडर आ रहा है, चल हट यहाँ से निकल। अब मैं वो पुरानी वाली नूब नहीं हूँ, मेरे को पता है गेम कैसे खेलते हैं। 12 seconds later. मुझे अपने घर जाना है। ओके, हम घर आ गए। बंद करो भैया, चलो सोने चलते हैं। ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? बे आपका घर है क्या? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो भाई। सारी सारी रात सोए ना हम, जो तैनू वेखिया सांसे गई थम। न्यू डे न्यू एडवेंचर, आर यू गाइस रेडी? लेट्स डू इट। अल्ले क्या है ये? बाबा बाबा ब्लैक शीप, ये बफलो, इधर आ। मैं पिछले एक घंटे से इधर उधर घूम रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं कब से इसी माउंटेन के आसपास घूम ही जा रही हूँ। कुछ तो अच्छा मिले यार, कुछ तो इंटरेस्टिंग मिले, जैसे मैं माइन करूँ, कुछ ट्रेजर वेजर मिले तो मजा भी आए। हाय लामा, मुझे भी एक लामा चाहिए, मैं भी अपने घर के बाहर एक प्रॉपर ये फार्म वगैरह बनाऊंगी। बाय बाय लामा। हेलो डॉगी, कैसे हो डॉगी? ठीक है, ये कुछ तो हमें इंटरेस्टिंग सा मिला है। इसका एंट्रेंस कहाँ से है? आई थिंक पीछे से है। काफी डर लग रहा है, मैंने जस्ट अभी माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट किया है, वरना तो आपको पता है कि मैं कितनी ब्रेव हूँ, मालूम है ना? मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये यहाँ पे कुछ तो स्विचेस लगे हुए हैं, इनको कुछ करते हैं, ऑन ऑफ करके देखते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ये क्या क्या काम है तुम्हारा? हाँ अंदर चल के देखते हैं यार। मुझे ना अभी ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि अभी अंदर से कोई एक मच्छर हटे से, हट हट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से कोई ना कोई ज़ॉम्बी निकलेगा और मेरा काम तमाम कर देगा। मारा 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 मारा, कोई मारा कोई मारा कोई मारा। ये क्या है यहाँ पे? कौन सी रावण का हवन हुआ है? यहाँ पे खून वून लगा हुआ है और एक काई जमी हुई है चेस्ट है यहाँ पे। कोई मारा, बार बार बचे हम, एकदम पीछे जाके लगा है हमारा। चेस्ट खोल के देखते हैं। आयरन इंगट मिला है हमें, रॉटन फ्लैश का हम क्या करेंगे, बोन रख लेते हैं। बहुत जगह माइन कर दिया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है, एक बार यहाँ भी करके ट्राई करते हैं। एक और चेस्ट है वहां सामने, और रेडस्टोन भी मिल गए, क्या बात है। चेस्ट खोलते हैं यार। डायमंड बिस्किट जब भी मूड हो खा लो, डायमंड बिस्किट। ये मेरा सेकंड एपिसोड है जो मैं माइनक्राफ्ट खेल रही हूँ, मेरे को सेकंड एपिसोड में डायमंड्स मिल गए और बहुत सारा गोल्ड इंगट भी है यहाँ पे। बैम्बू ले या ना ले, पर फ्री का तो कोई भी सामान नहीं छोड़ती मैं, तो इसको ले ही लेते हैं। क्या बात है, क्या मजेदार सेकंड एपिसोड हुआ है ये। यहाँ पे बहुत सारे रेडस्टोन्स भी हैं, तो वो भी माइन कर लेते हैं। हमारी इन्वेंट्री देखो, बस डायमंड्स हो गए हैं, अच्छी अच्छी डायमंड, गोल्ड, आयरन, सब कुछ है हमारे पास।
अब हम इससे बना लेंगे एक डायमंड स्वॉर्ड, यही तो चाहिए था यार लाइफ में। अब हम आ गए हैं घर, और घर आके हम अपनी सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे रख देंगे। वुडन स्वॉर्ड क्या, इसका कोई काम नहीं है, हमारे पास डायमंड स्वॉर्ड है। ये सब मॉसी कॉबल स्टोन वगैरह क्या है वो सब मुझे नहीं पता, पर बढ़िया लग रहा है। और अब लेके आए हैं तो मस्त यहाँ पे रख देते हैं हमारे चेस्ट में। तो आई थिंक आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि आज हमने काफी सारी फन एक्टिविटीज कर ली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये माइनक्राफ्ट वाली वीडियोस कैसी लग रही हैं, और मेरे को क्या फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए हमारी माइनक्राफ्ट और GTA वीडियोस की। बाकी आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।